हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर व्लॉग्स। आज हम लोग बनाएंगे माइक्रोवेव में सात तरह की तरकीबें जो आसान हो आसान से तैयार हो जाती है। लोग सिर्फ माइक्रोवेव पानी गर्म करने, दूध गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आपको जो तरकीबें बताएंगे वो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी, आपका टाइम भी बचाएगी और आपके किचन में आपकी जल्दी से जल्दी आपकी चीज़ें तैयार भी करेगी। हमारी सबसे बड़ी तरकीब ये हमें लहसुन छीलना है। अक्सर खवातीन घर में लहसुन छीलने में बहुत मुश्किल होती है, तो आपके लिए आसान तरकीब पहली ये वाली है। लहसुन हमने छील लिए थे, अब इनको हम अपने माइक्रोवेव में रखेंगे। अक्सर खवातीन को लहसुन के ही जो छिलके होते हैं उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम आसान तरीके से, ये हमारी पहला हैक है और आसान तरीका है, इसके लिए हम अपने माइक्रोवेव में इसको रखेंगे। हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे एक मिनट के लिए कि आपका छिलका आराम से निकल जाए हमारे लहसुन का। इसको हमने रख ली, इसको हम एक मिनट के लिए लगा देंगे। जब तैयार हो जाता है हम आपको फिर दिखाते हैं कि लहसुन का छिलका कितनी आसानी से निकल जाता है। हमारा एक मिनट हो गया, आप ये देख सकते हैं हमारे जो लहसुन है वो खुल गए हैं अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं आप, आसानी से छिल गए हैं। आपको देख सकते हैं सारे आसानी से निकल गए सारे जो हमारे लहसुन थे। अब हम दूसरी हैक की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर हम ड्राई फ्रूट या कुछ चीज़ लाते हैं तो वो चिड्डी हो जाती है। चिड्डी को ख़त्म करने के लिए, जैसे हमारे बादाम है, हमारे ड्राई फ्रूट हैं, सर्दियों में लोग बड़े शौक से खाते हैं इसको, लेकिन बात ये है कि ये बाहर पड़े पड़े चिड्डे हो जाते हैं, तो इसके लिए हम अपना माइक्रोवेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंड हैक है। अब इसको हम अपने रखने जा रहे हैं अपने बादामों को इसके अंदर एक मिनट के लिए। हम इसको एक मिनट के टाइम पे सेट कर रहे हैं, एक मिनट के, हमारा एक मिनट ही धूप आया। अब इसको हम एक मिनट के लिए तैयार करने के लिए माइक्रोवेव में रख रहे हैं। जब तैयार हो जाता है आपको दिखाते हैं। हमारे ड्राई फ्रूट रेडी हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं, खस्ता करारा, खुशबूदार, मज़ेदार, रोस हो गए हैं, खाने में मज़ेदार, इसका सारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम दूसरे हैक की तरफ चलते हैं। अब हम अपने तीसरे हैक की तरफ चलते हैं। ये हमने दो टमाटर लिए। अक्सर बच्चे टमाटर के छिलके आ जाते हैं खाने के अंदर तो खाना पसंद नहीं करते, इसके लिए हमारा ये तीसरा हैक है। इसको हम आराम से अपने माइक्रोवेव में बना सकते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। आप इसका आराम से माइक्रोवेव में जब तैयार हो जाएगा, इसका हम आराम से छिलका उतार के मैश करके आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें छिलके भी होते हैं। हम इसको अपने माइक्रोवेव में रखने जा रहे हैं, इसको हम माइक्रोवेव में रखने जा रहे हैं। अब इसको हम एक मिनट के लिए अपने माइक्रोवेव में रखेंगे। हमने इसको एक मिनट के लिए टमाटर को अपने माइक्रोवेव में रख दिया है। अब इसको हम एक मिनट बाद चेक करेंगे। तैयार हो गए हैं जो हमने एक मिनट के लिए रखे थे, आप ये देख सकते हैं, आप आराम से, ये आप देख सकते हैं इसका सारा गल गया है, कि आप आराम से इसको अपने हाथों से ही इसका छिलका उतार सकते हैं और उसको मैश करके आराम से उतार सकते हैं इसका छिलका। आप मैश करके आराम से मैश करके आपको जो सालन के लिए इस्तेमाल करना है, चटनी के लिए इस्तेमाल करना है, रायते के लिए इस्तेमाल करना है, ग्लैंड करके आप कर सकते हैं। अब हम चौथे स्टेप पर चलते हैं, जो हमारा चौथा हैक है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा टमाटर गल गया है,
सारे छिलके भी आराम से उतरेंगे। आपको दिख रहा होगा सारा पल्प बाहर आ गया। हमने अक्सर ख्वातीन प्याज काटते हुए रो जाती हैं, तो उसके लिए ये हमारा पांचवा हैक है, चौथा हैक है। हमें प्याज लेना है, इसको छीलना है, सिर्फ इसको हमें एक मिनट के लिए रखना है, जो इसके अंदर प्याज में जो पानी होता है जिससे आंसू आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये हम इसको अपने माइक्रोवेव में रख रहे हैं एक मिनट के लिए, जिससे हमारा जो प्याज है उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा और कोई भी रोएगा नहीं। ये हम रख रहे हैं इसको एक मिनट के लिए सेट करने के लिए, इसको एक मिनट पे हम लगा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं हमारा प्याज ड्राई हो रहा है, इसमें से आवाज़ें निकल रही हैं। जब आप एक मिनट के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर जो पानी होगा जो हम लोग काटते हैं, जिस वजह से पानी मतलब काटते हैं तो आंसू आते हैं, वो बिल्कुल अंदर से ड्राई हो जाएगा, तो आपके आंसू नहीं आएंगे। आपको आवाज़ अभी आई होगी, ये प्याज की आवाज़ ही थी जो हमने माइक्रोवेव में रखा हुआ है। हमारा प्याज ड्राई हो गया है, आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर फ्लेम निकल रहे हैं, हल्के हल्के आपको धुआं दिख रहा होगा। अब ये बिल्कुल अंदर से जो पानी है इसका ख़त्म हो गया है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। आराम से छुरी से काटेंगे तो आराम आराम से कट जाएगा। अब हम पांचवे हैक पे चलते हैं अपने। हमारा छठा हैक है लींबू। अक्सर आप लींबू काटते हैं और जोर लगा मतलब इसको दबाते हैं तो सही तरह से रस नहीं निकलता, तो इसके लिए आप माइक्रोवेव में इसको 20 सेकंड रखेंगे, तो इसके बाद हम आपको काट के दिखाएंगे कि कितना रस निकलता है हमारे लींबू का। इसको हम रखने जा रहे हैं अपने माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए। ये हमने लगा दिया, अब आपको हम 20 सेकंड बाद दिखाते हैं कि लींबू में कितना रस होता है। हमारा लींबू अब तैयार हो गया है, अब इसको हम निकाल के दिखाएंगे आपको कि ये आप कितना जूस निकल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारा लींबू तैयार हो गया है, अब इसको हम काट के अब इसको जूस निकाल के आपको दिखाएंगे, जूस निकाल के दिखाएंगे। हमारा ये लींबू हमने जो माइक्रोवेव से निकाला ये तैयार हो गया है, अब इसको हम काट के आपको दिखाएंगे कि कितना इसमें से जूस निकल सकता है, आपको कितने आसानी से जूस निकल सकता है। आपको ये दिख रहा होगा हमारा लींबू कट गया है, अब इसको आप इसको देख सकते हैं इसमें अच्छी क्वांटिटी में पूरा आराम से जूस निकल सकता है, दिख रहा है आपको। जितना भी जिस जूस होगा ये मुलायम पड़ जाएगा आपका लींबू और आराम से जूस निकल जाएगा। एक लींबू की आप क्वांटिटी देख सकते हैं माशाल्लाह से, लींबू की आपको क्वांटिटी देख सकते हैं, इतना सारा जूस निकला हमारा। अब ये हम लास्ट जो हमारा हैक है इसकी तरफ जाते हैं, जो हमारा सातवा हैक है। इसके लिए हमें आलू की ज़रूरत होगी, जो हमने काट के रख लिए हैं हमारे आलू। अब अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा लास्ट है कि इसमें आप ये देखें आलू आपको दिख रहा है, हमने दो आलू लेके इसको काट के छोटे छोटे पीस कर लिए। अक्सर घर में ये होता है कि आलू के कबाब बनाने होते हैं, आलू के कटलेट्स बनाने होते हैं या आलू के पराठे बनाने होते हैं। इसके लिए आपको आसानी है कि आप माइक्रोवेव इस्तेमाल करें। माइक्रोवेव बहुत आसान तरीका है, आपका वक्त भी बचाता है और जल्दी आपके तैयार भी हो जाते हैं आलू तैयार हो जाते हैं। अब इसके लिए हमने आलू लिए हैं 2 अदद, इसको हम पानी में डाला हुआ है हमने, अब इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे 14 मिनट के लिए, जिससे हमारे आलू आराम से उबल जाएंगे और आसानी से तैयार हो जाएंगे। हम अपने माइक्रोवेव में आलू रखने जा रहे हैं अपने, इसको हम 14 मिनट के लिए रख देंगे फिर आपको दिखाएंगे, 14 मिनट के रख देंगे फिर आपको दिखाएंगे हम। इसको हमने बंद कर लिया, अब इसको हम 14 मिनट के लिए रखने जा रहे हैं।
हमने रख दिए। अब 14 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं कि हमारे आलू जब तैयार हो जाएंगे। अब हमारे आलू तैयार हो गए हैं, अब आपको निकाल के दिखाते हैं। देख सकते हैं आप इसमें भाप भाप है बहुत। अब आपको हम आलू निकाल के दिखाएंगे किस तरह से तैयार हुए हैं। हम इसका पानी निकाल के अब खाली आलू आपको दिखाएंगे। इसको पानी पहले झाड़ लेते हैं। हमने अभी पानी अपना साफ कर लिया है, जो इसमें पानी बचा हुआ था आपको ये दिख रहा होगा, अच्छे खासे गल गए हैं। अब इसका हम आराम से पेस्ट बना सकते हैं, जिस तरह से आपको बनाना हो, आलू की कबाब में इस्तेमाल करना हो, या फिर टिक्की बनानी हो, आलू टिक्की बनानी हो, या फिर आलू की चाट बनानी, हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। माशाल्लाह से बेहतरीन है। अब हम नए रेसिपी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हम बनाएंगे पॉपकॉर्न मसाला, पॉपकॉर्न मसाला इन माइक्रोवेव। ये हमारी 8वीं हैक होगी, हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं इसको। अब हम मसाला पॉपकॉर्न बनाने जा रहे हैं। मसाला पॉपकॉर्न के लिए हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हमने तेल शामिल कर लिया, इसमें हमने अपनी पॉपकॉर्न जो है बनानी है शामिल कर ली है। अब हमने जो मसाला बनाया है जो उसमें शामिल होगा, उसमें हमने एक चुटकी नमक, मतलब एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्चें और एक चम्मच हल्दी इस्तेमाल करी है। ये सब हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, अपने मसाले को पॉपकॉर्न के अंदर जो माइक्रोवेव में तैयार हो को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, इसको हम अपने माइक्रोवेव में रखने जा रहे हैं। ये हमारी 8वीं है के मसाला पॉपकॉर्न, आपको ज़बरदस्त कलर दिख रहा होगा। अब इसको हम माइक्रोवेव में रखने जा रहे हैं, इसको हम अब माइक्रोवेव में रखने जा रहे हैं, माइक्रोवेव में रखने जा रहे हैं। इसको हम 2 मिनट के लिए रखेंगे, 2 मिनट के लिए रखेंगे। इसको हम एक प्लेट रख देते हैं, हल्की सी पीछे की तरफ, हल्की सी इस तरह रखनी है कि हवा भी पास पास होते रहे। ओके, अब इसको हम 2 मिनट पे लगा देंगे। हमारी मसाला पॉपकॉर्न तैयार हो रही है, आपको आवाज़ आ रही है। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी फिर आपको हम दिखाते हैं। हमारा मसाला पॉपकॉर्न तैयार हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कलर में भी अच्छा बना है माशाल्लाह से। बाउल थोड़ा गर्म है, ये मसाला पॉपकॉर्न बनाया है हमारा माशाल्लाह। अब हमारी सारी तरकीबें इस्तेमाल करेंगे जो हमने हैक बनाया है 7-8 माशाल्लाह से। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।